खुला हुआ है। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ बंद था अब से पब्लिक गैदरिंग, लेकिन बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय, और मेरे उम्र वाले को क्या हाल चाल मेरे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव ब्लॉग। तो वाइड एंगल में तो आपको दिख ही रहा होगा पीछे बाइक फुली लोडेड है और मैं पूरा गियर्स में हूँ आपके सामने। तो समय अभी हो रहा है 5 बजने वाला है शाम का और सुबह करीब 11 बजे से मैं राइड कर रहा हूँ। तो कहाँ से मैंने ये राइड शुरू की और कहाँ मैं पहुँचा हूँ अभी, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। आज है 23 मार्च और अचानक से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमारे स्टेट झारखंड में लॉकडाउन 31 मार्च तक। और आज की मेरी बस की टिकट थी घर जाने के लिए, लेकिन सारी बसेस कैंसिल हो गई है और सारा ट्रेन कैंसिल हो गया है, तो मुझे घर निकलना है। तो इसके अलावा मुझे और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला। मैं जा रहा हूँ घर अपने बजाज प्लैटिना से, और ये नया टैंक बैग और सैडल बैग मुझे बाइकिंग ब्रदरहुड की तरफ से आया है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ अपने ट्रिप पे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से, जो लोग नीचे कमेंट करने वाले हो कि यार कोरोना वायरस चल रहा है हमारे देश में, आप ट्रैवल मत करो। तो यार मेरी मजबूरी है, कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके लिए मुझे सेफ रहना है, और सेफ रहने के लिए मुझे घर जाने की ज़रूरत है। और घर जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ना ट्रेन है ना बस है, तो एट लास्ट मुझे ये ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है। अभी समय हो रहा है, आप देख सकते हो 10:03। अगर मुझे पहले से मेरा प्लान रहता बाइक से निकलने का, तो मैं सुबह 4 बजे निकल जाता, या 10 बजे में नहीं निकलता। तो ठीक है, मिलता हूँ नीचे जा कर के, बाइक पे इस सारा सामान को लोड करना है और फिर निकलना है घर की तरफ। सो आई एम ऑल रेडी, एक बार दिखा दूँ बाइक में आपको अपना, माई सैडल बैग्स, माई टैंक बैग, और मैं पूरा फुल गियर्ड विथ नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड। सो रन द टाइम इज 10:18 एंड इट्स काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई। और आज का जो जर्नी वो एज़ यूजुअल जो मेरा पहला वीडियो आया था मेरे चैनल पे, कुछ वैसा ही होने वाला है। रांची से निकल के मैं गोला नहीं जा रहा हूँ आज मैं जा रहा हूँ रामगढ़ होते हुए, क्योंकि रामगढ़ से मुझे एक पिलियन को उठाना है, वो मेरा एक रिलेटिव है, तो वो मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि सारी ट्रेन और बसेस कैंसिल है, तो वो भी फंस चुके हैं मेरी तरह ही रांची। तो कोरोना का अगर आप देख सकते हो पूरा रोड खाली है, ये रोड ऐसा रोड है जो कभी ना रात को ना दिन को कभी ये खाली नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू लॉकडाउन एवरीथिंग इज क्लोज्ड, और ना ऑटो चल रही है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक भी चीज़ नहीं चल रहा है। और देख लो चचा को, काफी लंबे समय के बाद ऑलमोस्ट नेपाल राइड करने के बाद आज जाकर के मैं राइड पे निकला हूँ, और काफी खुश हूँ मैं, काफी ज्यादा खुश हूँ। आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा ही सकते हो कि यार टैंक बैग है मेरे साथ, अभी सैडल बैग है, और ऊपर से मेरा प्यारा गोप्रो, तो समझ ही सकते हो। उधर देखो कितना सुंदर पहाड़ है, उधर राइड करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई थकान फील होने वाली है साहिबगंज पहुंचने तक, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होप सो कि आप भी मेरे जैसा ही एक्साइटेड हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो यार जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन जाकर फाड़ दो उसे। यार मैं गोरा पहुंच गया और यहाँ पे तो कोरोना का मजाक बना के रखे है ये लोग, सारा मार्केट खुला हुआ है, ट्रैफिक है रोड पे। तो यार कम से कम लोगों को बुद्धि दिमाग नहीं है। अभी 22 तारीख को जो 5 बजे पीएम ने बोला था कि आप 5 बजे शाम को आकर के 5 मिनट के ताली मारे, तो यार बहुत सारे लोगों ने जुलूस निकाल दिया था। तो ये देखो यहाँ पे हमारे जवान लोग भी हैं, लेकिन ये लोग भी शायद कुछ कर नहीं रहे, ये हार्ट खुला हुआ है। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ बंद था अब से पब्लिक गैदरिंग, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे यार, बहुत ख़राब बात है ये। इनकी भलाई की नहीं की जा रही और यही लोग फॉलो नहीं कर रहे। ये हमारी आज की जर्नी का सबसे पहला टोल है, और ये चक्का देखो यार, किसका चक्का है ये, हाथी का। बाइक होने का फायदा, साइड से निकल जा। या, 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 या। रुकवाने वाले थे, कैमरा देख के नहीं रुकवाए। क्या लग रहा है आपको देख करके, कहाँ आ गए हम? दोनों तरफ
पौधे ही पौधे और बीच से रास्ता, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। वैसे ये रोड पे मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन गोप्रो लेके पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से गोप्रो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा आ रहा होगा। जो ओरिजिनल कलर है इस पूरे पौधे के और बादल के, सभी निखर के आ रहे होंगे। तो इधर देख लो यार, बहुत लंबा, इधर भी बहुत दूर तक जंगल जंगल है। तो राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग अ स्मॉल विलेज ऑफ बोकारो स्टील सिटी, और इधर से एक पतला सा रास्ता है जो कि सीधा धनबाद निकलता है हमें, उस रास्ते से मैं आया हूँ, लेकिन वो रास्ते का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बात कुछ ऐसा है कि देखते हैं अभी 6 महीने बाद मैं उस रास्ते से जाने वाला हूँ, तो क्या सिचुएशन है उस रास्ते का, चलिए दिखाते हैं आपको। क्या नज़ारा है यार, कैसा लग रहा है आपको, सुंदर? अगर हाँ तो लाइक कर देना वीडियो को आप लोग। रोड की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, गड्ढा दिख भी नहीं रहा है। ये जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ आप देख रहे हो, ये असली नहीं है, ये सारे मैन मेड है, क्योंकि अभी हम हैं धनबाद में, और धनबाद में क्या है आपको तो पता है जी, वासेपुर की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पे कोयला भी है। तो कोयला के माइनिंग के समय जितना सारा पत्थर निकलता है, वो सारों सारे पत्थर का यहाँ पे ऐसा पहाड़ बनाया जाता है। तो अभी हम हैं वासेपुर में। तो भैया कैसे हैं आप सब, सब्सक्राइब किए कि नहीं अभी तक? तो यहाँ पे अभी ये भैया गिर गए, होप्स भी ज़्यादा चोट ना आई हो इन्हें। देश की कोयला राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। तो धनबाद पहुँचते ही पता नहीं यहाँ पे क्या तो सीन चल रहा है, पुलिस वाले सबको रोके हुए हैं, बेमतलब का ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। तो ये लोग सारा रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि सब बंद कर दो भाई, रोड ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा होगा कि मैं निकल गया, मैं तो पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, ये कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है हमारे कंट्री में इस वक्त। तो कोऑपरेट करने में ही भलाई, तो कोऑपरेट करने के लिए मैं घर जा रहा हूँ यार, क्योंकि रांची में कुछ नहीं रखा, अकेले हो गया था मैं, कोई नहीं था आस पास मेरा, तो घर जाना ज़रूरी हो गया था। तो देख रहे हो ना कितना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि रोड सिचुएशन देखा अपने अभी रोड का, तो वो अब होने वाला है भाई, वो पूरा सिटी लॉकडाउन होने वाला है, पूरा स्टेट पूरा कंट्री। तो इस वक्त घर में रहने में ही भलाई है, तो घर की ओर जा रहा हूँ मैं। तो टाइम आ गया इस 4-लेन रोड को गुड बाय करने का, और यहाँ से लेफ्ट साहिबगंज, और यहाँ से हमें बस वही सिंगल लेन रोड मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं बोर्ड आपको, साहिबगंज 292 किलोमीटर, दुमका 160, पाकुड़ 205, जमतारा 69, 262, बोर्ड में 292, ऐसा क्यों भैया, 30 किलोमीटर कहाँ घुमाइएगा हमको आप? तो गूगल मैप के अनुसार हम 8:06 पे साहिबगंज एंटर कर जाएंगे,
लेकिन गूगल मैप को तो भूख प्यास लगती नहीं है, तो हम लोग को तो लगेगी ना भाई, तो एक घंटा लेके चलो, मतलब रात के 9:30 बजे तक हम घर पहुँचने की कोशिश करेंगे। कितने सुंदर सुंदर फूल है देख सकते हो आप, ये सामने मेरे ख्याल से एक नदी आएगी जो कि बरसाती नदी है, बरसात के समय में इस नदी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। साहेबगंज यहाँ से करीब 264 किलोमीटर और रह गया है, देख पा रहे हो ना, एक फोटो ले लेता हूँ रुक करके यहाँ पे। लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद है, तो यहाँ पे हाईवे किनारे एक छोटा सा ढाबा हमें मिला है, वहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मुड़ी घुगनी और सिंघाड़ा और ये जलेबी। आज का यही सीन है, यही खाना है, आज का सुबह से यही नसीब हुआ है, तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद। शाम के करीब 5:30 बज गए हैं, सूरज भी ढलने को हुआ है और अभी भी मेरा लोकेशन जो है यहाँ से 155 किलोमीटर। तो प्लान में एक चेंज है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बढ़रवा की तरफ निकल रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं सुबह घर की ओर निकलूँगा। वो चेंज इसलिए है क्योंकि पहले मेरे साथ जो मौसा जी हैं उनको ड्रॉप करना है, फिर मुझे अपने घर की ओर जाना है, तो बस 155 किलोमीटर और यहाँ से घर। तो यहाँ पे मैं रुका था चाय ब्रेक के लिए और चाय ब्रेक ख़त्म हो गई और अब चलते हैं घर की तरफ। समय 7:08 और अभी और 90 किलोमीटर बाकी है, तो कोशिश करेंगे 90 किलोमीटर एक वूम में पहुँचने का, नो ब्रेक नथिंग। और ये देखो अंधेरे का मज़ा, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, बस मेरी बाइक और उसमें लगा हुआ मोबाइल, बस उन्हीं की लाइट्स आपको दिखेंगे क्योंकि मेरे पास फॉग लाइट नहीं है मेरे बाइक में, तो कोई फ़ायदा नहीं देख करके। अब सीधा मिलते हैं घर पहुंच करके। तो यार गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बहुत लंबे जंप कट के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। रात को मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच गया था, लेकिन मैं अपने मौसा जी के यहीं रुक गया रात को, और यहाँ से मेरा घर करीब 40 किलोमीटर और है, तो ऑलमोस्ट घर तो मैं पहुँच ही गया क्योंकि हम साहेबगंज जिला एंटर कर चुके थे रात को ही। और ये लैंडस्केप देखो आप, ये नज़ारे इन्जॉय करो आप, ये सामने के बादल को देखो आप, और ये राइडिंग को देखो आप, वो सामने जो पर्वत दिख रहा है, क्या आपको वो दिख रहा है यार, ये लैंडस्केप बहुत बहुत मस्त है, मैं गारंटी से कहता हूँ कहीं भी चल जाओ ऐसा लैंडस्केप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत सुंदर नज़ारा है ये हमारा साहेबगंज जिला का, छोटा छोटा राजमहल हिल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड पर आपको रेलवे की पटरियाँ देखने को मिल जाएगी जो कि कोलकाता और पटना को कनेक्ट करती है, और ये छोटे छोटे गांव बीच में आते जाते रहते हैं, तो यार इन्जॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है राइड में। ये सामने जो ऊंचा सा पहाड़ देख रहे हो आप, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है इस जगह के ऊपर, क्योंकि इस जगह का नाम इसी पहाड़ पर डिपेंड है, ऐसा ऐसा 3 पहाड़ है तो जिसे मिला करके 3 पहाड़ होता है, और ये जगह का नाम भी 3 पहाड़ है, तो आप समझ सकते हो कितना वैल्यू है, कितना महत्व है इस पहाड़ का इस जगह के लिए। क्या रोड है भाई, ऐसा सीधा सरपट सपाट रोड मुझे पिछले 30 किलोमीटर से मिला हुआ है, और आप समझ सकते हो क्या मैं कर रहा हूँ इस रोड पे, यार मक्खन रोड है, मजा आ रही है इस रोड पे बाइक चलाने में, और दोनों तरफ की जो सीनरीज है वो तो और भी ज्यादा लाजवाब है, काफी ज्यादा। अब खुद देख लो यार क्या है अगल बगल, ये ताड़ के पेड़, इधर बांस के पेड़, बीच में रोड, ओहो सामने पहाड़, मजा आ रहा भाई कसम से मजा आ रहा है। उड़ता ही चलो इन हवाओं, कॉर्नरिंग यहाँ पे बहुत सही हो रहा है, बहुत सही कॉर्नरिंग हो रही है इस रोड पे, आप देख सकते हो, क्योंकि यार पूरा खाली रोड है, पूरा सपाट रोड है, कोई गड्ढा नहीं, कोई ऊंचा खल्ला कुछ नहीं, सीधा रोड है, बिल्कुल सपाट रोड। तो महाराजपुर क्रॉस हो गया है और अब सकरी पहुंचने वाले हैं, और ये सारा पहाड़ अब देख के समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ,
अगर आप मेरे जगह से देख रहे हो तो थोड़ी देर में 12-13 किलोमीटर के बाद मैं साहेबगंज एंटर कर जाऊंगा। तो ये रास्ता तो आपने पहले भी देखा है मेरे वीडियोस में, मोती झाड़ा वाले वीडियोस में, तो आगे दिखा के कोई फायदा नहीं है। तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं आप खत्म, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो और यहाँ तक आपने मेरा वीडियो को देखा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।